शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि हम सबको पता है, आज ज्येष्ठ महीने का शिव सोमवार है। आज ज्येष्ठ माह का सोमवार विशेष है। आज विशेष दिन है सोमवार का, क्योंकि इसलिए कल थी अपरा एकादशी और आज है वैष्णव एकादशी। और आज 3 जून सोमवार एकादशी के दिन यानी कि सोमवती दीपक आज आपने अपने घर पर जला दिया तो पूरी फैमिली हमेशा के लिए खुश रहेगी। कभी भी सुख संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। वैभव लक्ष्मी घर में वास करेंगी और घर में सुख संपदा बनी रहेगी। आपकी फैमिली में कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से यह उपाय मैं बताऊंगी, पूरा देखिएगा ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से और इजी वे में समझ में आ सके। चलिए जानते हैं क्या है उपाय। चलिए जानते हैं दीपक आज आपको कहाँ पर चलाना है। आज अपरा एकादशी यानी कि सोमवती दीपक और वैष्णव एकादशी के दिन आज शाम को आपको दीपक कहाँ पर जलाना है। आपको जलाना है दीपक बेल वृक्ष के नीचे। शाम को जलाने का दीपक मतलब क्या है, यानी कि प्रदोष काल के समय, शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको दीपक बेल वृक्ष के नीचे जलाना है। प्रदोष काल सूर्य ढलने से 45 मिनट पहले और सूर्य ढलने के बाद का जो 45 मिनट होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। तो इस बीच आपको दीपक जलाना रहता है। प्रदोष काल के समय आपको दीपक बेल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। और सबसे पहले आपको दीपक मिट्टी का लेना है। आपको मिट्टी का भी आप दीपक ले सकते हैं या फिर अपने आटे का भी बना सकते हैं। आपको मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें शुद्ध देसी घी डालना है। अगर घी नहीं है तो बस आपको तिल का तेल लेना है, लेकिन कोशिश करिएगा कि शुद्ध देसी घी मिल जाए सबसे पहले। तो अगर वहाँ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है किसी कारणवश तो आप तिल का तेल बिना संदेह के आप ले सकते हैं। और थोड़े से चावल की आवश्यकता पड़ेगी, चुटकी भर चावल की आवश्यकता पड़ेगी जो कि खंडित ना हो, पूर्ण चावल होना चाहिए। और लंबी बाती, घी के दीपक में लंबी बाती का प्रयोग होना है। अच्छा, चावल और दीपक बना के आप पहुँच गए बेल वृक्ष के नीचे। शाम के समय बेल वृक्ष के नीचे आप पहुँच गए और सबसे पहले आपको चावल के दाने रखने हैं। क्या रखेंगे आप? चावल के दाने रखेंगे, उसके ऊपर आप दीपक रखेंगे। मिट्टी का आपने लिया या फिर आटे का लिया है, उसके बाद आप वहाँ पे दीपक रखेंगे चावल के ऊपर। चावल बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी चावल या दो चुटकी चावल रखिएगा। एकादशी का दीपक है और जला कहाँ रहे हैं आप? बेल वृक्ष के नीचे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सोमवार को प्रदोष काल के समय बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति प्रदोष काल के समय घी का लंबी बाती का दीपक चावल के ऊपर रखकर बेल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देता है तो उसके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं रहती। हमेशा माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है तो आपको कौन सी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए? तो आपको दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। और क्या डालना है, घी या तेल? तो आपको शुद्ध देसी घी आपको दीपक में डालना है। अगर घी नहीं भी है तो आप जो है तिल का तेल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि घी का दीपक जलाना है। अभी कठिनाइयां आपके घर में चल रही हैं, आपको फिर से एक चुटकी चावल लेना होगा और फिर अपनी परेशानियां घर की कहते हुए, अपनी प्रार्थना करते हुए वह चावल आपको दिए के अंदर डाल देना है, यानी कि घी में डाल देना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो यकीन मानिएगा आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी रुकेगी और आपके ऊपर जो कर्ज होगा वह कर्जों से मुक्ति मिलने लगेगी। आपका व्यवसाय तेजी से चलने लगेगा, लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। ये उपाय आपको हर सोमवार को करना है। हर सोमवार को बेल वृक्ष के नीचे आपको घी का दीपक जलाना है। ऐसा आप 5 या 7 सोमवार लगातार करते हैं तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपके घर में लक्ष्मी वास करने लगी है, कर्जों से मुक्ति मिलने लगी है और व्यवसाय आपका तेजी से बढ़ने लगा है, रोजगार आपका चलने लगा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। आपको करना होगा अपनी बरसों पुरानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, यानी कि जो मनोकामना आपकी पुरानी से पुरानी हो और वह पूर्ण नहीं हुई हो तो आप यह उपाय करेंगे तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
उपाय करने के लिए आपको कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप अपने घर में ही कर सकते हैं। अपने घर में करके आप यह उपाय अपनी बरसों पुरानी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। आपको यह बेलपत्र आपको हाथ में लेनी है और पहुंच जाना है बेल वृक्ष के नीचे। बेल वृक्ष के नीचे आपको यह बेलपत्र बेल वृक्ष के नीचे रख देनी है। फिर आपको अपना दाहिना हाथ जो है, आप दाहिने हाथ की उंगलियां 3 बीच की इस बेलपत्र के ऊपर रखेंगे और जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष है, वो कहेंगे। मनोकामना कह लेंगे फिर उसके बाद आपको यह बेलपत्र उठा लेनी है। ध्यान रखिएगा बेलपत्र बहुत सुंदर सी हो, कटी फटी ना हो, उसमें छिद्र वगैरह भी ना हो और जो डंडी के जो पीछे जो ठूट होती है वह भी टूटी हो। फिर बेलपत्र आपको उठा लेनी है बेल वृक्ष के नीचे से और आपको एक लोटा जल भी घर से भर के लेके जाना है। यानी कि एक लोटा जल और जो है एक बेलपत्र आपको लेके जाना है। बेलपत्र बेल वृक्ष के नीचे रखकर अपनी मनोकामना कहकर उठा लेनी है और फिर पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में शिवलिंग के पास आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपका फेस रहे। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वह बेलपत्र उठाकर आपको अपने घर पर आ जाना है और महादेव जी के ऊपर वह बेलपत्र रखकर अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी मन की बात कहते हुए और उसके बेलपत्र के ऊपर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। ना क्या है? फिर से ठीक से समझ लीजिए। बेल वृक्ष के नीचे आपने बेलपत्र चढ़ाई, अपनी मनोकामना कही, फिर आपको बेलपत्र उठा के लेके आपको अपने घर में, अगर शिवलिंग है तो वहां घर पे आ जाना है, नहीं तो फिर आपको शिवालय जाना है और शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आपने बेलपत्र अर्पित कर दी और उसके ऊपर जो आप अपने घर से तांबे के पात्र में एक लोटा जल लेकर गए हैं तो वह जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए अपनी मन की बात, अपनी मनोकामना, जो भी आपकी पुरानी से पुरानी मनोकामना हुई हो, जो पूरी ना हो सकी हो, तो वह मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय का मंत्र जाप करते हुए आपको बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र और बेलपत्र के ऊपर आपको एक लोटा जल धीमे धीमे एक धार बहाते हुए आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार आप अगर करते हैं यह उपाय तो यकीन मानिएगा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी इच्छा है, जो भी विशेष है, बहुत दिनों से मांग रहे हैं, जो भी मनोकामना आप कह रहे हैं वह पूरी नहीं हो पा रही, तो यह उपाय करने से आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। करके देखिएगा दोस्तों, बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है। एक और आपको काम करना है, जो भी आप जल चढ़ाएंगे तो उसको जो जलाधारी से जो नीचे बहता है तो वहां से आपको रोकना अवश्य है। आपको जलाधारी के नीचे दूसरा पात्र रख देना है या फिर जल चढ़ा के तुरंत आपका जो खाली पात्र हुआ उसको तुरंत लगा लेना है जलाधारी के नीचे, तो आपको थोड़ा सा जल आपको उसको प्राप्त कर लेना है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा जल लेना जलाधारी से बहते हुए, फिर उसको आपको अपने घर लेके आना और घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर और अंदर आपने अगर यह जल का छिड़काव कर लिया, जो भी आपके घर में निगेटिव ऊर्जा होगी वह नष्ट हो जाएगी और पॉजिटिविटी का वास होगा। घर में जो भी सकारात्मक ऊर्जा होगी वो खत्म हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको यह जल का छिड़काव करना है। आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। आप जो है, जो भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश अवश्य करूंगी। यह उपाय आप हर सोमवार के दिन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो उपाय की बात कर ली, अब आगे बढ़ते तीसरे उपाय की ओर। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अचूक और सरल सा उपाय है जो सभी को करना है और यह उपाय हमें एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। जब भी एकादशी पड़े तो अब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय एकादशी के दिन करने वाला पूज्य गुरु जी भी अपने हर कथा में बताते हैं और मैंने भी बताया है। तो चलिए, बहुत छोटा सा उपाय है, चलिए जानते हैं क्या है। यह उपाय उनके लिए है जिनके घर में आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। यानी कि आमदनी कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, एक रुपया कमाओ 2 रुपया खर्च होता है, तो यह उपाय उनके लिए है। लेकिन यह उपाय जानने से पहले आप कर दीजिए
मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल में नए हैं, जो मेरी आवाज मेरे भाई बहन, जो मेरे छोटे बड़े जो पहली बार सुन रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए, ताकि ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और ज्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो, तो यह उपाय करके सभी अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सके। तो चलिए जानते हैं क्या है उपाय। चलिए जानते हैं, सबसे पहले यह उपाय समझने की कोशिश करते हैं कि करना कैसे है। आप लोगों को बेलपत्र दिख रहा होगा, और बेलपत्र कितनी लेनी है, यहाँ पर आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी 7, यानी कि 7 बेलपत्र आपको लेनी है। वही कटी फटी ना हो, बहुत सुंदर सी बेलपत्र हो, और डंडी का पीछे की जो ठूट होती है वह टूटी हुई हो, कोई छिद्र भी ना हो। तो 7 बेलपत्र आपको लेनी है। इसके बाद आपको एक तांबे का पात्र लेना है, जिसमें आपको जल भरना है। जल भरने के साथ साथ आपको सबसे विशेष कार्य यह करना है कि उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल की आपको मिला लेनी है। गंगा जल तो सभी के घर में होता ही होता है, तो आपको 2-3 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है उस जल के कलश में, और जो 7 बेलपत्र आपने ली है वह उसे जल के पात्र में आपको डाल लेनी है। तो यह जल का पात्र लेकर, जिसमें 7 बेलपत्र आपने डाल ली है और गंगा जल डाला है, अब पहुंच जाना है आपको शिवालय। शिवालय में आपको नंदीश्वर महादेव के महाराज के पास आपको जाना है। कहीं कहीं मंदिर के बाहर नंदी महाराज जी बैठे मिलेंगे, और कहीं कहीं आपको मंदिर में शिवालय में शिवलिंग के पास नंदी महाराज आपको बैठे मिलेंगे। तो आपको नंदी महाराज के पास आपको जाना है, और उनका जो दाहिना पांव उठा होता है, ठीक से समझिएगा, दाहिना पांव जो उठा होता है, तो वह दाहिने पांव के ऊपर आपको जल के लोटे का जो जल है वह आपको चढ़ा देना है। और ध्यान रखिएगा, 7 जो बेलपत्र है वह बिल्कुल भी नंदी महाराज के पांव में गिरे नहीं। बेलपत्र आपको लोटे में ही रखना है, आपको एक उंगली से सहायता से आपको बेलपत्र रोक लेनी है, और पूरे जल का जो लोटे का जो जल है पूरा, वह नंदी महाराज के दाहिने पांव के ऊपर आपको चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। आप एरो देख रहे हैं, जो दाहिने पांव जो उठा हुआ है, जिसपे चंदन लगा हुआ आप वीडियो में देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वहां पर आपको जल का जो पात्र लेके गए हैं, तो वह जल पूरा आपको नंदी महाराज के दाहिने पांव के ऊपर चढ़ा देनी है, और बेलपत्र 7 आपकी लोटे में ही पड़ी रहेंगी। फिर उसके बाद आपको शिवलिंग पर शिव जी के ऊपर एक एक बेलपत्र निकाल के, लोटे में से एक एक बेलपत्र निकाल कर आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या जो भी मंत्र आपको आता है वह कहते हुए। लोग यह गलती कर देते हैं, ठीक से आप समझिएगा, पूरी की पूरी 7 बेलपत्र निकालते हैं लोटे से, जल के पात्र से, और 7 के 7 बेलपत्र एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, पूरे नियम को आप विधि विधान से जब करेंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा। तो आपको एक लोटे से 7 बेलपत्र हैं लोटे में पड़ी आपके जल के पात्र में, तो एक बेलपत्र चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके, दूसरी बेलपत्र चढ़ाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के, तीसरी बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चौथी बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पांचवी बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, छठी बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 7वीं बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके, इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। 7वीं बेलपत्र आप अर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, साथ में अपने घर की जो परेशानियां हैं, जो भी विपत्तियां हैं, जो भी दुख तकलीफ है, तो वह प्रार्थना आप महादेव जी से करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, हे महादेव, हे बाबा, मेरे घर में ये परेशानी है, ये दुख है, ये तकलीफ है, उसको जो है आप मेरे घर से दूर भगाइए, हमें रोगों से मुक्ति दिलाइए, हमें कष्टों से दूर भगाइए, कष्ट दुख तकलीफ हमारे घर से कोस दूर चले जाए, जहां उनका अता पता ही ना रहे, और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। इस तरह से आप जिस प्रकार से भी आप कामना कर सकते, जो भी आपके घर में परेशानी हो, दिक्कत हो, वह आप कहिए। आप पूजा करेंगे, अपनी रिकॉर्डिंग आप जो है प्रार्थना करेंगे, और यकीन मानिएगा, आपकी जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी, और आपकी जो बरसों पुरानी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, वह अवश्य पूर्ण होंगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने 3 उपाय बताए, हम इस उपाय इस वीडियो के 4थे और बहुत ही छोटे और सरल उपाय की ओर। उपाय आ
आपको उन लोगों को करना है जिनके घर में पितृदोष की समस्या हो, जो पितृदोषों से परेशान हो। तो आपको करना क्या है, आपको चावल लेना, चावल बहुत ज्यादा नहीं लेना, आपको मात्र सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, वो भी पूर्णतः चावल का दाना लेना, कहीं से भी कोई चावल का दाना एक भी खंडित ना हो। तो एक चावल का दाना पूरा आपने अक्षत ले लिया, आपको एक चावल का दाना लेना है और एक बेलपत्र लेना है, और उसको आपको बेलपत्र और चावल के दाने को अपने राइट हैंड में रखना है, और आपको अपने घर के रसोई घर के पास बहुत जाना है, जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हैं, चाहे बाल्टी हो, चाहे घड़ा हो, चाहे आरो वाटर हो, वहाँ पे आपको हाथ में लेके आपको अपने भगवान से, महादेव जी से, अपने पितृदेव से प्रार्थना करनी की हे पितृदेव, हे महादेव, मेरे घर में यह समस्या है, वह पूरी हो जाए, जो भी भूल चुक हुई हो वह क्षमा करे और हमारे घर में सुख समृद्धि वास करे। या प्रार्थना करके आपको जो भी मेरे घर में समस्या है, वो जो भी आपके घर में समस्या है, वो सब कहे कि आपको वह बेलपत्र और चावल का दाना राइट हैंड में लेके अपने पूरे घर में घूमना है। एक बार पूरे घर में आपको घूमते हुए, अब बस जो है वॉशरूम छोड़ के आपको अपने पूरे घर में घूमते हुए कहीं नहीं जाना। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर आपको पहले चावल का दाना चढ़ाना है, फिर उसके ऊपर आपको एक बेलपत्र चढ़ा देनी है और प्रार्थना करना अपने पितृदेव से, हे पितृदेव, जो भी हमसे भूल चुक हो गई हो वह क्षमा करे और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे बनाए रखे। हे महादेव, हमारी रक्षा करे, हमारे घरों में जो भी दोष है वह मिट जाए और हम हमारे घर में सुख समृद्धि वास करे। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मानिएगा जो भी पितृ दोष है या पितृ दोष के कारण जो भी परेशानियां हैं तो वह आपके घर से खत्म हो जाएंगी। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और फिर मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।